कॉम्बिनेशन के बाद से ये मुझे एक बात बताओ अंकल जी के साथ तो मैं ही बैठने वाला हूँ राइड में बड़ा मजा आएगा यार क्या कर रहे हैं बैंकर कैसे चल रहा है डोंट वरी ब्रो सेना जल्दी आपको एक राइड मिलने वाली है और देखो किसका बोर्ड दिखा हम लोगों को What's up bro सेना कैसे हैं आप सब लोग भाइयों इस बारी बीबी कॉन्टेस्ट वापस आ चुका है बीबी किंग पिछले दो हम जीतते हुए आए हैं बट इस बारी थोड़ा मेरे को अपनी जो यूट्यूब की ब्रो सेना है ना उनका मदद चाहिए सो आपको करना कुछ नहीं है गाइस यहाँ पे ना एक हैशटैग आ रहा होगा हैशटैग बीबी किंग बाबू भैया जिसमें डबल बी कैपिटल है किंग का के कैपिटल है बाबू का बी कैपिटल है एंड भैया का बी कैपिटल है देखो यार ये कॉन्टेस्ट जीतते कैसे है ना ब्रो सेना बहुत सिंपल है जिसके सबसे ज्यादा कॉमेंट होंगे ये वाला हैशटैग लेके वो जीतेगा तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है आई रिक्वेस्ट यू अगर आपके ट्विटर अकाउंट नहीं है ना ब्रो सेना अपने ट्विटर अकाउंट बना लीजिए क्योंकि आपके बाबू भैया को ना बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे 5-6 साल से आप उनकी ग्रोथ में साथ देते आए हो उस बंदे को आपने 0 सब्सक्राइबर से 7.5 मिलियन तक ले जाने वाले हो तो इतना सा और कर दो ट्विटर अकाउंट बना लो यहां पे एक हैशटैग आ रहा होगा उसे कॉपी करना या खुद से लिखना बट ध्यान रखना सेम एज इट इज होना चाहिए कैपिटल एंड स्मॉल का हैशटैग कॉपी करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा ना वहां पे खोलना आपका ट्विटर अकाउंट होगा तो वो खुलेगा ट्विटर अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए अपने बाबू भैया के लिए आपको करना क्या है कुछ नहीं करना है वो पोस्ट आएगी उसका कमेंट सेक्शन खुला रहेगा देखो सिंपल सी बात है जिसके सबसे ज्यादा कमेंट वो जीतेगा और ब्रो सेना कमेंट करने में बहुत ज्यादा आगे हैशटैग कॉपी करना स्पेस देना उसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हो आपकी फेवरेट गाड़ी का नाम आपको कोई मैसेज लिखना है मैं यूट्यूब से हूँ यहाँ पे अगला मीटअप चाहिए भाई मैं आपका एक सब्सक्राइबर हूँ अपना नाम ऐसे कमेंट 10-10, 20-20 अगर आप सब लोग कर देंगे ना तो हम ये वाला कॉन्टेस्ट भी जीत जाएंगे और हमारी हो जाएगी हैट्रिक आई नो आपके बाबू भैया अंदर हैं आपको उन्हें फ्रेम में देखना है बट वो कैसे हो सकता है जब आप जल्दी जल्दी जीतवाएंगे जल्दी जल्दी शो खत्म होगा वापस से आपके बाबू भैया इस फ्रेम में आएंगे बट तब तक के लिए वी नीड यू ब्रो सेना तो भाइयों जितने भी यूट्यूब की जनता है ना जो भी देख रही है ट्विटर अकाउंट बना लो यहाँ पे हैशटैग है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ फटफट स्पैम मार दो एक एक बंदा 20-20 कमेंट कर दो और आज रात पे इसको लीड ले लेंगे ओके सो जो एक और टॉपिक है बहुत बंदे वेट कर रहे थे मैं कब इसके ऊपर बोलूंगा आई थिंक दिस इज द राइट टाइम क्या राइट टाइम तो कुछ नहीं था इस चीज के लिए बट स्टिल मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी ट्रॉलिंग चल रही है इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी सोशल मीडिया पे जस्ट एक चीज को लेके कि मजाक बना दिया देखो यार स्टार्टिंग में ना मुझे भी मजा आ रहा था ट्रॉल्स देखने में बिकॉज उनके अंदर थोड़ा बहुत सेंस था नाउ इट्स लाइक इट्स क्लियरली सबको पता चल गया एक क्लियरली एक पीआर लगी हुई है जस्ट टू ब्रिंग हिम डाउन है ना बेमतलब के ट्रॉल कर दो जो भी वो ट्रॉल्स बना रहा है सेंस बताना क्लिप आदि एडिट करके किसी का और का दिखा के यहाँ पे एडिट करके दैट इज गोइंग टू हेल्प यू देन ठीक है भाई मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स देखो आई डोंट हैव अ पीआर ठीक है जो भी चल रहा है मैं संभाल रहा हूँ या भाई लोग संभाल रहे हैं सो वी डोंट हैव अ पीआर इवन इफ मेरे पे पीआर होता मेरे पे पैसा होता मैं रादर पैसा उड़ाने इस चीज में पैसा उड़ाने में कि मैं किसी के नीचे लाऊं किसी पे ट्रॉल बनाऊं किसी के अगेंस्ट एक एजेंडा सेट करूं नहीं भाई आई रादर डोनेट इट टू समवन जिसको उसकी जरूरत है दुआएं लगेंगी ऊपर वाला खुद कर लेगा भाई दैट इज हाउ आई वर्क सो द सेकंड थिंग आई एम हैप्पी अबाउट इज दैट आई एम फ्रॉम हिप हॉप कम्युनिटी एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आप लोग समझ जाओगे हमारी कम्युनिटी से एक बंदा बिग बॉस में एंटर किया था एंड टू बी ऑनेस्ट जिन बंदों की उसके साथ लड़ाई थी या कुछ था ना दे ऑल्सो स्टूड बाय हिम जस्ट बिकॉज वो कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रहा था सो दिस इज फॉर हिप हॉप आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट कि भाई वी डोंट कीप आवर ग्रजेस इनटू इट क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूं ना कुछ लोग जो सच में हमारे साथ थे नाउ दे आर ट्रोलिंग अस एंड ऑल लव टू देम मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूं देखो आपके अपने पर्सनल रीजंस होंगे टू ट्रोल हिम ये वो सो करके आप करो आई डोंट नो आई एम नॉट इनटू दिस आपके वाले जॉनर में वो भाई जानता होगा वो आप लोग जानते होंगे ऑल द बेस्ट फॉर यू मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं आई एम ब्लेस्ड कि आई एम फ्रॉम हिप हॉप और वहां पे नो मैटर कौन अंदर जाता है आपकी उसके साथ बीफ है आपकी लड़ाई है आपकी कुछ है यू विल सपोर्ट हिम सो या आई एम ब्लेस्ड बाय दैट रादर देन डूइंग बैड पीआर आई विल रादर डोनेट इट टू समवन हेल्प करूंगा किसी की करनी भी होगी ना अपने भाई की पॉजिटिव करूंगा ना कि किसी को नीचे लाऊंगा क्योंकि अब सबको समझ आ रहा है कि जस्ट एक क्लियर टारगेट किया जा रहा है ऑफिशियल पेज से हर जगह से जस्ट एक टारगेट वो कर दिया है कि भाई इसको नीचे 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 ले आओ दूसरे को ऊपर लाएगा टू बी ऑनेस्ट I totally believe in him. 2-3 महीने शायद से नीचे रहेंगे बट इसके बाद अगले साल कभी ना कभी तो मिलेगा ना वो कर्मों का फल कि भाई बंदे ने अच्छे थे बंदे दिल के साफ थे आज नहीं तो कल देखो टू बी ऑनेस्ट जैसा वो अंदर खेल रहा है आई टोटल रिस्पेक्ट हिम ना किसी पे जाना ना किसी के बारे में बुरा बोलना ना किसी को उल्टा जवाब देना सबसे आप करके बात करना नो लव एंगल्स नो फालतू के मुद्दे आई रिस्पेक्ट हिम ऑन दैट
यू वांट टू मेक ट्रॉल, ट्रॉल करो भाई। आप लोगों का बस माइंड वॉश किया जा रहा है कैंपेन चला के, एजेंडा चला के, जस्ट टू मेक समवन लुक बेटर, कोई भी हो सकता है वो अंदर में, एंड एक टारगेट दिख रहा है कि जानबूझ के ट्रॉलिंग हो रही है। ऑल थिंग्स इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आई ट्रस्ट हिम, ठीक है, मैं एंड यहीं पे करना चाहूंगा। आई ट्रस्ट गॉड, आई ट्रस्ट हिम कि आज शायद से नीचे होंगे, परसों बहुत ऊपर आ जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरे घर से, क्योंकि आप लोगों को पता है मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं घर आ गई थी। अभी मम्मी मस्त एकदम बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं आज जा रही हूँ भैया के घर। बाकी हर्ष भैया और दुष्यंत से बात हुई थी मेरी, तो वो लोग अंकल की बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए कावासाकी के शोरूम पे है। अभी देखते हैं, मैं यहाँ से निकल रही हूँ थोड़ी देर में, देखते हैं अगर वो लोग वहीं पे रहे, बाइक की सर्विस तब तक नहीं हुई तो मैं उनको कावासाकी के शोरूम पे ही मिलूंगी, और अगर सर्विस हो गई तो वो लोग घर चल जाएंगे, फिर मैं उनको सीधा घर पे मिलूंगी। और गाइज एक और चीज कि आप लोग को पता है बीबी किंग सेकेंड वीक का आ गया है कि कौन बनेगा बीबी किंग। आप लोग जाओ जल्दी जल्दी बाबू भैया को जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करना और हैशटैग बीबी किंग बाबू भैया कमेंट स्पैम कर दो। हैशटैग बीबी किंग बाबू भैया, जिसमें कि बीबी कैपिटल लेटर्स, किंग का के कैपिटल, बाबू का बी कैपिटल, भैया का बी कैपिटल, और स्पेस देके XYZ 123 कुछ भी लिखो। जाओ ब्रोसेना जल्दी जल्दी स्पैम कर दो। इस बार भी भैया को आप लोगों को पता है हमें बीबी किंग बनाना है, तो जाओ जल्दी। आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम लोग पहला बॉस मीटर भी जीते थे, फिर हम लोग पहला बीबी किंग भी जीते थे, तो बस इस बार भी हम लोग को जीतना है और भैया को इस बार भी बिग बॉस के घर का बीबी किंग बनाना है। मैं निकल रही हूँ घर से, मेरी कैब आ गई है, अब जल्दी जल्दी कैब में बैठते हैं। पहले मुझे शॉप पे जाना है पापा के पास कुछ सामान लेने, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी भैया के घर। बाकी मिलाते हैं आपको सबसे वहाँ पहुँच के। इतना अच्छा भाई है मेरा, सारा काम बहन का बोझ उठा के जा रहा है। गाइस मैं निकल चुकी हूँ घर से, बस अभी शूट शॉप तक जा रहे हैं, पापा से मिलते हैं, पापा को बाय बाय बोलते हैं और फिर निकलते हैं सीधा। गाइस मैं निकल चुकी हूँ पापा को बाय बाय कह के, अब बस सीधा जाते हैं और मिलते हैं आपको सीधा भैया के घर पे। तो यार मैं भी बस अब दुष्यंत का वेट कर रहा हूँ, भव्या घर से आती होगी। आज हमें कावासाकी शोरूम पे जा रहे हैं, जैसे हमने बताया था कि हम अंकल जी के साथ एक छोटी सी राइड प्लान कर रहे हैं। और ये चेक करिए हमारी BMW भी खड़ी है, शायद हम इसको भी राइड पे लेकर चले। दुष्यंत आ रही होगा, मैं उसका वेट कर रहा हूँ और दुष्यंत फिर इसकी भी सर्विस करवाएगा। फिर हम एक अंकल साथ छोटी सी राइड भी प्लान कर रहे हैं। मैं बस दुष्यंत का वेट कर रहा हूँ, भव्या भी अपने घर से आ रही होगी और फिर आज हम अंकल की बाइक पर मोटो व्लॉगिंग कर मिलते हैं आपको कावासाकी शोरूम पर। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, उस टाइम एयर प्रेशर की वार्निंग दिखा रहा था और शायद इसमें हवा भी नहीं है, तो दुष्यंत आ रहा है, दुष्यंत को दिखाता हूँ। और ये चेक करिए किसने दस्तक दी है आज दरवाजे पर, दुष्यंत इज हियर। हेलो गाइस, कल जी की सुपर बाइक कुछ ज्यादा ही भागती है भाई, तुम लेट उठते हो। मैंने 2 बजे फोन करता भी करे, देखो आंटी लेट उठते हैं ना भाई, बहुत लेट, और ये कटना नहीं चाहिए कसम है तुम्हें। तो मैं बोल रहा था ना कि दुष्यंत आएगा और कोई पता है कि बाइक के बारे में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। बताओ दुष्यंत, देखो टायर की वार्निंग दिखा रहा था ना, चाबी लेकर आता हूँ मैं। भैया तो नहीं है यहाँ पे, बट पीछे से बाइकों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना हम सबको उनकी। इसके टायर में कोई इशू है, क्योंकि जब हम लोग लद्दाख गए थे ना, ये टायर ना जब मैं चला रहा था तो एकदम से बस्ट हुआ था, कुछ लगा था इसमें, अभी देखता हूँ क्या इशू है। तो आप बहुत दिनों से बेताब होंगे ना वो आवाज सुनने के लिए, आप सुनाते हैं हमको आवाज। 2-1 बता रहा था ना आपको, एक वार्निंग आ रही है दुष्यंत, देखो यही वार्निंग है ना, ये इसमें सेंसर है टायरों में, तो वो वार्निंग दिखाते जब टायर प्रेशर मैच नहीं होता ना। उसके बाद आज हमारे आज आपको देखने को मिलेगा गाइस मोटर व्लॉगिंग किसके साथ देखने को मिलेगी, मिस्टर हर्ष लोधी हमारे हिमांशु भाई आज मोटर व्लॉगिंग करेंगे। ये देख लो बहुत प्यार दे रहे लोग कि हर्ष भाई मोटर व्लॉगिंग करो, एक करो कमेंट करो। हाँ पढ़े थे तुमने लोग। यार देखो जो सीखे जितना भी सीखे अनुराग से सीखे, हम उसकी तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी अपना बेस्ट दे रहे हैं ठीक है, ताकि आपको भी हमारे ब्लॉग्स बोरिंग ना लगे। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे बोरिंग लग रहे हैं, डोंट वरी ब्रो से ना, जल्दी आपको एक राइड मिलने वाली है, बाइक राइड, वो भी अंकल जी के साथ। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अंकल जी की बाइक की सर्विस कराने के लिए कावासाकी शोरूम। अगर राइड में जाना तब भी ना अलग ही फैशन होता है भाई का, मोटो व्लॉगिंग में शुरू हो चुकी है आज। 1-2-3 ऑडियो चेक, 1-2-3 ऑडियो चेक। तो गाइस दुष्यंत इज हियर और हम निकल रहे हैं अंकल जी की, लाओ अंकल जी की बाइक की चाबी मुझे दे दो, और वो खड़ी अंकल जी की बाइक। तो हम निकल रहे हैं अंकल जी की बाइक लेकर कावासाकी शोरूम पर, राइट पर जाएगी अंकल जी की भी बाइक। अंकल जी ने बोला था कि मेरी बाइक भी सर्विस करा देना, मैंने भी कमेंट्स वगैरह पढ़ी थी, आप बोल रहे थे कि ऑयल के लिए कि इसके शॉकर के साइड से कहीं कोई जगह है उधर से ऑयल निकलता है। तो दिखाते हैं इसे कावासाकी शोरूम, गगन भाई से मेरी बात हो गई है और मिलते हैं आपको कावासाकी शोरूम पर। ये है रेडी, ये मैंने पर सेक्सी है यार, पहली बार चला रहा हूँ मैं अंकल की सुपर बाइक। वो गेयर वेयर कहाँ है इसके? ये गेयर है, चलो लगा दिया मैंने पहला गेयर, निकलते हैं। भव्य अभी पहुँचने वाली होगी। वूहू ब्रो से ना पैर भी आगे रखने पड़ रहे इसमें भयंकर। निकल चुके हैं हम और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मेरी हाइट से भी मैच कर रही है ना, इसलिए सच में यार अंकल जी को कितना मजा आता होगा चलाने में। अंकल और मेरी हाइट थोड़ी सेम सेम ही है ना,
तो बहुत कूल सी फीलिंग आ रही इसको चलाने में। फोन भूल गया था अपना मेन फोन, उसमें सारे ग्रुप्स के टेक्स्ट आते हैं तो हम उसमें सब कनेक्ट रहते हैं साथ में, तो बस जा रहे हैं वापस घर पे अपना फोन लेकर आते हैं। ग्रुप्स के टेक्स्ट यार इसी में आते हैं ना, तो लेट हो जाएंगे। गगन भाई भी हमारा वेट कर रहे हैं। पॉकेट में डालो, मैं अपना फोन दोबारा नहीं खोना चाहता लद्दाख की तरह। चेन लगाना मत भूलना जैसे मैं भूल गया था। मिलाते हैं आपको रास्ते में सिनेमैटिक्स और मस्त मोटो व्लॉगिंग के साथ। मजा आएगा अंकल जी के साथ राइड करने में। अनुराग यहाँ पर नहीं है, वो भी होता तो हम सब साथ में राइड करते, पर ठीक है अब वो हमारी जिम्मेदारी है। हम अंकल के साथ राइड पर जा रहे हैं, हम अंकल की भी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा सब चीज जैसे। वो भी हमारा पूरा राइड पे ध्यान रखता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हम अंकल जी को अपने साथ ले जा रहे हैं तो उनका पूरा ध्यान रखें और सुरक्षित से कंप्लीट करके वापस घर आ जाएं। आपको मस्त मस्त से व्यूज दिखा के, आपको मस्त मस्त सी कॉमेडी अंकल जी और मेरे साथ। अंकल जी और हमारी जो राइड होने वाली है वो बहुत मस्त होने वाली है, बहुत मजा आएगा। अंकल जी भी 10 को वापस आ जाएंगे, अभी अंकल जी अपने जा रखे हैं काम से, वो भी 10 नवंबर के बाद आ जाएंगे। फिर हम एक राइड प्लान कर रहे हैं ब्रोसेना, और अंकल जी ने तो बोला है कि मेरे लिए 5000 कमेंट कर दो, तो ब्रोसेना आप तो कर ही दोगे उनके लिए। अनुराग बोलता था 50000 कमेंट दे करके कमेंट, तो अंकल जी ने आज अपने लिए करके कि मेरे लिए तो 5000 कमेंट तुम कर ही सकते हो। उनका हमारे अंकल जी के लिए 5000 कमेंट कर देना और फिर जल्दी से आपको एक मस्त राइड देखने को मिलेगी। देहरादून जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक मेरे घर की साइड से आता है और एक मेन डोयाला वाली साइड से हाईवे जाता है, तो मुझे इसी रास्ते से जाना पसंद है क्योंकि ये मेरे रास्ते से बहुत पास पड़ता है और यहाँ का जो ये नज़ारा है बड़ा मस्त है, पूरा जंगली जंगल वाला, तो बहुत अच्छी वाइब्स आती है चलाने में। रोड भी बिल्कुल मस्त है, इसकी पहले रोड सही नहीं थी लेकिन अब रोड भी पूरी मस्त चकाचक बन चुकी है। या तो मस्त खेल ही रहे हैं बिग बॉस में धीरे धीरे से, अब वो खुल रहे हैं। पहले वो ये था कि गेम समझ रहा था क्या है, उसको नहीं पता कि क्या करना है कैसे, उसके लिए वो चीज़ बहुत नई थी। एक मिडिल क्लास लड़का एकदम से सेलिब्रिटी वाले फेस पे गया, बस ऐसी सपोर्ट बनाए रखना ब्रोसेना, उसको भी यहाँ पे बहुत भरोसा है और वो अच्छे से खेलेगा ब्रोसेना। बस हम अपने पाऊ भैया का साथ नहीं छोड़ेंगे ब्रोसेना, उसे फुल सपोर्ट करेंगे और वो बहुत अच्छा खेलेगा और जीत कर तो वो ही आएगा ब्रोसेना। बस प्यार बनाए रखना ब्रोसेना। सच में यार बड़ा मज़ा आ रहा है अंकल जी की बाइक चलाने में। राइड पे तो मैं यही वाली बाइक लेकर रहूँगा, मुझे नहीं लगता कि मैं सुपर बाइक वो इतनी हैवी जीनोस वगैरह चला पाऊंगा। मुझे तो यही मस्त लग रही है इसमें, मुझे बड़ा मस्त कंफर्ट लग रहा है। अंकल जी के साथ तो मैं ही बैठने वाला हूँ इस वाली राइड पर, बड़ा मज़ा आएगा यार। तो यार हमारी GoPro की बैटरी डाउन हो गई थी, बट ये कि हमने फुल तो चार्ज करी थी, पता नहीं उसमें क्या वो ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर हमने बैटरी चेंज करी, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था GoPro, बट अब सब चेक कर लिया ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ से शॉर्टकट, क्योंकि हम उस साइड नहीं जा सकते, वहाँ पे थोड़े रूट डाइवर्ट कर रखे हैं, तो हम जा रहे हैं थोड़े शॉर्टकट से, क्योंकि वहाँ पर बहुत घूम कर आना पड़ेगा, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हमने ले लिया शॉर्टकट। बस हम कावासाकी पहुँचने वाले हैं इन रोड पर, और बस पहुँच गए हम कावासाकी शोरूम पर। फिर दिखाते अंकल की बाइक सर्विस पे, और शायद कहीं अंकल की बाइक यहीं ना छोड़नी पड़े, वो तो गगन भाई बताएंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। पहुँच गए हम कावासाकी देहरादून, और हमारे गगन भाई भी कर रहे हैं बाइक की सर्विस। मिलाते हैं आपको गगन भाई से। हेलो भाई कैसे हो? बढ़िया यार, अंकल जी की बाइक की सर्विस करनी थी। तो यार आगे हमारा बाइक का नंबर, गगन भाई बाइक को ले जा रहे हैं सर्विस। चेक कर रहे हैं बस बाइक। हाँ भाई एक बार चेक कर रहे हो सर्विस पॉइंट पे अंदर ले जाने से पहले? भैया थोड़ा बाइक को चेक कर रहे हैं, काउंट मार कर आ रहे हैं। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर में हो जहां जिक्र। क्या दिक्कत आ रही है बाइक में? कूलर थोड़ा सा लो लेवल हो गया और इसका एयर फिल्टर भी क्लीन होगा, बाकी जनरल चेकअप होगा, बाइक पूरी सर्विस। मतलब मैंडेटरी की चेक को चेंज करना ही पड़ेगा, ऑयल फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, और जो एयर फिल्टर होता है ना वो हम लोग उसको क्लीन करके वापसी लगा देंगे, क्योंकि अभी तो फर्स्ट सर्विस है ना इसकी। हाँ भैया जल्दी जल्दी से जो भी चेंज करना है कर दो, हमें राइड पे भी निकलना है और हम नहीं चाहते कि राइड पर अंकल जी बाइक चलाएं तो कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह करके आए। तो सर्विस तो हो गई थी हमारी बाइक की, गगन भाई एक बार उसको ट्रायल के लिए लेकर गए थे, शायद उन्होंने वो बाइक अंदर लेकर आ गए दोबारा। कुछ दिक्कत आ रही है? कुछ दिक्कत आ रही है क्या? बस वो वॉशिंग के लिए अंदर लाए, बाइक वॉश हो रही है, फिर निकलते हैं हम घर के लिए। यार बाइक हो गई थी अंकल जी की पूरी मस्त सर्विस उसकी, और दुष्यंत बाइक नीचे उतार रहा है, बस हम भी निकलते हैं। हमें भी यहाँ पर लेट हो गया, हम भी निकल रहे हैं, बस अब घर पे मिलाते हैं आपको आंटी से। आज हम आंटी से भी नहीं मिल पाए सुबह, सीधा दुष्यंत मेरे घर पे आ गया था, फिर हम वहीं से सर्विस के लिए निकल गए थे। आंटी भी वेट कर रही होंगी, और भव्य का भी कॉल आया, भव्य भी बस घर पहुँचने वाली है, मिलाते हैं आपको वैसे भी। तो यार बैटरी वैटरी का थोड़ा इशू आ रहा था, हमने चेक कर लिया, निकाल लिया है, और हम निकल रहे हैं जा रहे हैं बस घर की तरफ। और ये भाई मिले हैं हमें, हेलो भाई कैसे हो? हमारे बाबू भाई के सब्सक्राइबर, सपोर्ट कर रहे हो भाई को? चलो बिल्कुल सपोर्ट करना भाई को। ठीक भाई निकल गए हम अपने शॉर्टकट से बाहर, जहाँ से हमने एंट्री कर दी अंदर, और ये आ गए हम अपने मेन रोड पर, ISBT वाली मेन रोड पर। गगन भाई ने थोड़ा टाइम लिया सर्विस के लिए, लेकिन फुल एकदम बाइक को पूरा बना दिया है, मस्त एकदम मस्त चल रही है बिल्कुल स्मूथ। हेलो भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। दुष्यंत बोल रहे हैं उनको बजा के दिखा दो, वो बोल रहे हैं थोड़ा रोकड़ा दे दो हमें। दुष्यंत ऐसे नहीं बजाते, वो नहीं बजाएंगे। चलो बाय बाय भैया।
और थोड़ा बाइक के आ रहे यहाँ से मैंने दूसरे को दे दी क्योंकि वो बोल रहा था कि मुझे दिखा देना, मैं चेक कर लूंगा उसको चला के, क्योंकि उसको बाइक के बारे में उसी को नॉलेज है। तो अब दूसरे बाइक चला रहा है, चलो मेरे भाई कम ऑन, क्योंकि पूरा ट्रैफिक भयंकर इतना पीछे से लगा हुआ है, वरना बहुत लेट हो जाएंगे घर के लिए। आंटी का भी कॉल आया कि कहाँ रहेगा इतनी लेट, अंकल जी भी पूछ रहे थे, तो मिलाते हैं आपको आंटी अंकल जी से। क्या कर रहे हैं भयंकर, कैसे चल रहा है ये पता नहीं, चल चल रहे दूरशन, रहन दो तुम, रहन दो, चलो चलो, अरे चलो चलो। हमारा तो अभी हो जाता भयंकर, वो पीछे एकदम से बस टच ही होने वाला था। सब ठीक है ना, चलो चलो थोड़ा टक्कर होने से बचा दूं। भयंकर हम तो अपनी लेन में चल रहे हो, ट्रक वाला पीछे से हॉर्न कर रहा है, भाई अपनी साइड दे रखी हो तब भी हम पे चिपक रहा है भयंकर, अभी टक्कर लगने से जस्ट बच गए। ट्रक वाले को पता नहीं यार क्या हो गया एकदम से, और हम उसे बोल भी रहे हो सुन ही रहे कैसे भयंकर यार, वो इतना बड़ा ट्रक भयंकर, हल्की सी टक्कर लगी जाती तो पता नहीं हम कहाँ ही गिरते। चलो कोई नहीं, खैर बड़ा मजा आ रहा है गाइस, अंकल को क्या मजा आता होगा भयंकर ये बाइक चलाते हुए, और अब तो वैसे ही मजा आने वाले अंकल जी के साथ राइड कर रहे हैं। हम आपको बता देंगे फिर अपने, हम छोटे छोटे से मीटअप भी करेंगे और अपने बाऊ भैया को फुल सपोर्ट भी करेंगे इस राइड पर ब्रोसेना। और हम पहुंच चुके हैं अनुराग की गली में, पहुंच गए गाइस हम घर, मिलाते हैं आपको आंटी जी से। तो यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, भव्य नहीं अभी तक, भव्य भी लेट हो गई, मिलाता हूं आपको आंटी जी से। आंटी जी ओ किचन शिफ्ट हो गया है, आंटी शिफ्ट हो गई अपने रूम में ही, वहां देखो किचन। और आंटी जी हम सुबह फिर वहां से निकल गए थे, बाइक भी अंकल की पूरी सर्विस हो गई। हाँ बताओ आपने क्या 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 सुबह से, वहाँ की देख रेख, यहाँ की देख रेख, सब चीज की देख रेख। अंकल जी से बात हो गई थी आरसी वारसी के लिए ना, भव्य नहीं आई, भव्य कब आएगी, बहुत हो रही थी आज के लिए। हाँ गाइस भव्य का वेट कर रहे हैं, लेट हो गई भव्य। गाइस अभी देखो यहाँ पे भी ना हम सुद्धो वाला पहुंचे थे, और देखो किसका बोर्ड दिखा हम लोगों को, हम लोग यहाँ से जा ही रहे थे, मैंने देखा बोर्ड, मैंने कैब वाले भैया को बोला भैया रुक जाओ बोर्ड लगा है सुद्धो वाला में, वो जो यहाँ से निकलेगा ना सब लोग ब्रोसेना को पता है कि बाबू भैया का यहाँ पे बोर्ड लगा है एलटी विलास के पास, बस आप लोग हमें टैग करना, मेंशन करना, हम लोग स्टोरी रिपोस्ट करेंगे, बस प्यार दिखाओ, जिस चीज़ को जहाँ जहाँ पे भी बोर्ड सीखेंगे हम लोग को टैग करना, मेंशन करना, बाकी हम लोग मिलते हैं आपको। गाइस मेरी अभी अभी हर्ष भैया से बात हुई, तो वो लोग अभी भी शोरूम पर ही हैं, वो लोग निकल रहे हैं, मैं पहुँच चुकी हूँ आई एम में, मेरे को भी अभी लगेगा एक घंटा पहुँचने के लिए, वो लोग तब तक निकल जाएंगे, तो हम लोग सीधा घर पे मिल रहे हैं, मिलाते हैं आपको अंकल आंटी हर्ष भैया, दुष्यंत भी आ चुका था। गाइस मेरे को ना 2 घंटे हो चुके हैं घर से निकले हुए, आज इतना ट्रैफिक था ना, इतना ट्रैफिक, जाके हम ट्रैफिक से बाहर निकले, मियाँ वाला पहुँचने वाले से लगेंगे 15-20 मिनट और भैया के घर पहुँचने के लिए, तो मिलते हैं हर्ष भैया, और पहुँच चुके हैं घर हर्ष भैया, दुष्यंत उनका कॉल आया दोबारा भी। 2 घंटे में जो मैं आज पहुँच रही हूँ ना, 2 या 2.5 घंटे पर लग जाएगा मुझे पहुँचने में, चलो मिलते हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूँ हमारी फैन से, वो बहुत दूर से आई है, वो देखिए गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ। हम लोग पहुंच चुके थे हर्ष भैया को छोड़ के, दुष्यंत और मैं गए थे बाइक से, और अब बिग बॉस शुरू हो गया। आंटी आज तो मजा आने वाला है बिग बॉस में, नॉमिनेशन के बाद से मुझे एक बात बताओ, एपिसोड कैसा रहा? ठीक रहा, भैया को गुस्सा आ गया था, लेकिन आज गुस्सा इसलिए आया ना, कोई भी हो किसी के घर वालों पे हर किसी को गुस्सा होता है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो भाई, सही बात, कोई नहीं सुनता ना, पर ये है कि उसे गुस्सा तो आज आना मांगता ही है, क्योंकि घर वालों पे जाओगे तो कोई भी हो जाए हम भी क्यों ना हो सके, सही बात है ना, तो उसने इसलिए आज को भयंकर गुस्सा हो रखा था भाई, बाकी कल देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए बी सेफ एंड राइड सेफर पुई, और कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीकेंड के मार के साथ। आज तो भैया हीरो लग रहे थे, लेकिन हीरो पे लग रहा था, पर गुस्सा ही बहुत आ रहा था आज उसको, आज तो मैंने गुस्सा देख लिया उसका बहुत बारी। चलो बाय 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 बाय, कल मिलते हैं।